हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और जरा ये मैप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ न्यूजीलैंड, राइट? वेल, 26 सितंबर 2023 को जियोलॉजी के फील्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल्स टेक्टोनिक ने ये दावा किया कि न्यूजीलैंड के नीचे एक जीलैंडिया नाम का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट डूबा हुआ है। ये कॉन्टिनेंट इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, द मालदीव्स, इन सातों देशों को मिलाकर बनता है, वो भी इस नए 8th कॉन्टिनेंट से छोटा है। नाउ ऑब्वियसली ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज है कि तुरंत वायरल हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, वायन, NDTV, हर कोई इसकी चर्चा करने लगा। बट एक सेकेंड, अगर इतना बड़ा लैंड मास न्यूजीलैंड के नीचे एग्जिस्ट करता है तो नेचुरली ऐसा तो नहीं होगा कि वो अचानक से प्रकट हो गया, राइट? सो आखिर इतने सालों तक ये हमारी आंखों से छुपा कैसे रह गया? और ये सारे न्यूज आर्टिकल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट पिछले 375 ईयर्स से लापता है? क्या आपको लगता है इसके पीछे न्यूजीलैंड का हाथ हो सकता है? क्योंकि वो देश न्यूजीलैंड इस जीलैंडिया के जरिए बरसों से समुद्री रिसोर्सेस के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। एक्चुअली फ्रेंड्स, साल 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ पास किया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस लॉ के तहत कंट्रीज का अपने कोस्ट लाइन से 400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एरिया और वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स पर पूरा कंट्रोल होगा। सो न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर उसके नीचे सबमर्ज लैंड एक कॉन्टिनेंट प्रूव हो जाता है तो उसकी टेरिटरी 6 गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब मानो 6 गुना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स उनके कंट्रोल में आ जाते। अब ऑब्वियसली बात है, किसी भी देश के पास अगर 6 गुना ज्यादा रिसोर्सेज की बढ़ोतरी हो गई तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। एंड दिस अपॉर्चुनिटी वॉज वेरी प्रॉमिसिंग फॉर न्यूजीलैंड ऑफकोर्स। इस वजह से न्यूजीलैंड के नीचे छुपे लॉस्ट कॉन्टिनेंट का चैप्टर वापस से ओपन हुआ। एंड इसे स्टडी करने के लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कई सारे इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट को फिर से एक डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए बुलाया, जिसमें इस बार गोल था कि इस बड़े से सबमर्ज लैंडमार्क को एक कॉन्टिनेंट प्रूव करना। इसके बाद इन सभी रिसर्चर्स ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की, जिसके रिजल्ट्स जब लोगों के सामने आए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ये बात सामने आई कि सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के नीचे जो लैंड छुपा हुआ है उसके रॉक्स का कॉम्पोजिशन किसी ओशियानिक बेड के बजाय एक कॉन्टिनेंट के कॉम्पोजिशन से ज्यादा मैच हो रहा था। मीनिंग ओशन का तल मोस्टली वोल्केनिक बेसॉल्ट रॉक से बना हुआ होता है और कॉन्टिनेंट्स मेनली ग्रेनाइट रॉक से बने होते हैं। येट समुन्दर में न्यूजीलैंड के नीचे जो सबमर्ज लैंडमास मिला वो लैंडमास कॉन्टिनेंट्स जैसे ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स, पॉसिबली न्यूजीलैंड के नीचे ये जो लैंडमास डूबा हुआ था वो कन्फर्म एक 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता था। इवन पॉसिबली वो किसी समय पर पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का भी एक हिस्सा हो सकता था। और बस इसीलिए यहीं से न्यूजीलैंड के नीचे छुपे इस लैंडमार्क का नाम पड़ गया जीलैंडिया। बट फ्रेंड्स, लेट्स होल्ड ऑन अ लिटिल ओवर हियर। अगर 1982 में ही ये 8th कॉन्टिनेंट कंफर्म हो चुका था तो फिर हमारे ज्योग्राफी बुक्स में अब तक इसे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया और आज न्यूज में उसे 375 ईयर्स से लापता क्यों बताया जा रहा है? वेल फ्रेंड्स, बात ये है ना, आप किसी मैप को अपने बुक्स में तब इंक्लूड करोगे ना जब करंटली एक्सेप्टेड मेथड यानी कि सैटेलाइट्स के जरिए उसके बाउंड्रीज की प्रिसाइज मैपिंग अगर हुई हो तो। और बस एग्जैक्टली यही जीलैंडिया के केस में भी मिसिंग था और इसीलिए कई सालों तक टालने के बाद साल 2017 में फाइनली इसकी ऑफिशियल सैटेलाइट मैपिंग शुरू की गई, जिसका फाइनल रिजल्ट आया 12 सितंबर 2023 को और जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का एग्जिस्टेंस फाइनली कंफर्म हो गया। सो अब तक आपको स्टोरी इतनी समझ में आ गई कि इसके पीछे क्या कहानी थी। बट यहां पर एक मेजर सवाल अब भी हैंगिंग है, इतने बड़े जमीन के टुकड़े के साथ आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि वो कंप्लीटली पानी के अंदर डूब गया, सबमर्ज हो गया, कि सिर्फ उसका एक टिप न्यूजीलैंड ही आज समुद्र के ऊपर है एक देश के रूप में। दरअसल जियोलॉजिस्ट के हिसाब से पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया नाम का। पर आज से करीब 200 मिलियन साल पहले चल रहे टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट दो नए कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसमें से लॉरेशिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता गया और आगे चलकर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप और अमेरिका में बट गया और गोंडवाना साउथ की तरफ चला गया, जिससे अगेन सारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। इन सदर्न कॉन्टिनेंट्स में से आज से करीब 170 मिलियन साल पहले अफ्रीका गोंडवाना से अलग हुआ और फिर बारी आई एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया की, और इसी में से
फाइनली करीब 40 मिलियन साल पहले जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी अलग हुआ, तब जाकर आज के सभी मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स अपनी करंट पोजीशंस पर आ पाए। एक्सेप्ट समथिंग वॉज जस्ट मिसिंग टिल हियर। उस वक्त इस सब में जियोलॉजिस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी छूट गई थी। उन्होंने अपनी ये सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बनने की थियरी में सिर्फ उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को इंक्लूड किया था जो समुद्र के ऊपर दिख रहे थे, जबकि असल में हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक और एक लैंडमास गोंडवाना से अलग हुआ था जिसे साइंटिस्टों ने अकाउंट नहीं किया था, और वो लैंडमास था ज़ीलैंडिया। बट ओवर हियर अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन के तुरंत बाद वो पानी में डूब गया, और शुरुआत में तो ज़ीलैंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर मौजूद था, पर उस वक्त टेक्टोनिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही थी कि ये दोनों भी प्लेट्स रैपिडली एक दूसरे से दूर जा रहे थे, और इससे हुआ ये कि उस वक्त ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट जो इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद था वो आज से करीब 50 से 35 मिलियन साल पहले समुंदर में डूब गया। यानी कि हिस्टोरिक टाइम स्केल में डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के भी एटलीस्ट 15 मिलियन साल बाद तक ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से समंदर के ऊपर था। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। साइंटिस्ट जब इस ज़ीलैंडिया के बारे में स्टडी कर रहे थे कि वो क्यों नीचे चला गया, तो नीचे समुंदर के तल में उन्हें कुछ वियर्ड पैटर्न्स नजर आए। बेसिकली ज़ीलैंडिया के नीचे उन्हें दिखा कि वहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक्स से बने हुए हैं। अब ये सिर्फ तभी होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और उन दोनों के बीच के क्रैक में से मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा होता है। अब ऐसे में सिंस वो मैग्मा यू अलाइन होकर ऊपर आते ही समुद्र के ठंडे पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो नेचुरली वो सॉलिडिफाई होकर इस तरह की एक स्ट्राइप बनाते हैं। अब आगे सिंस ये मोल्टन मैग्मा कई हजार सालों से बाहर आते ही जा रहा है, तो हर नए बनते स्ट्राइप्स कुछ इस तरह से बाहर निकलकर साइड्स में खिसकते जा रहे हैं, और इन पैटर्न्स के ऊपर बसा ज़ीलैंडिया लैंडमास नीचे धस रहा है। सो नाउ फ्रेंड्स, यू नो कि ज़ीलैंडिया क्यों हमें समुंदर के ऊपर नहीं दिखाई देता। बट देन अगेन, ये सिर्फ हाफ आंसर है। इस इतने बड़े लैंडमास का यूं हमारी आंखों के सामने होकर भी दिखना, ये सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कॉन्टिनेंट समुंदर के नीचे था। इसके ना दिखने के पीछे एक रीजन हमारा इग्नोरेंस भी है। हम जैसे मॉडर्न साइंस एंथुसियास्ट ने पृथ्वी के एक फंडामेंटल एनोमली पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों है? वेल, ये सवाल शायद हमारे लिए नया हो सकता है, पर ये असल में एक 17वीं सदी का सवाल है जिसकी वजह से साल 1606 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी और आज ज़ीलैंडिया डिस्कवर हो पाया। इनफैक्ट ये वही रीजन है जिसकी वजह से आज सभी न्यूज आर्टिकल्स ज़ीलैंडिया के साथ मिसिंग फॉर 375 इयर्स लिख रहे हैं। असल में साल 1492 में जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते हुए अमेरिका पहुंचे, और इवेंचुअली उस अननोन लैंडमार्क को जब बाकी यूरोपियन एम्पायर्स द्वारा कॉलोनाइज किया गया, तो उसके बाद अचानक से कई एम्पायर्स दूसरे राज्यों को कॉलोनाइज करने की दौड़ में लग गए। इसी बीच डच एम्पायर, जो खुद भी एक मेजर कॉलोनाइजर था, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए लैंडमार्क्स के अलावा इस पृथ्वी पर अमेरिका जैसे अननोन और अलग थलग पड़े और भी लैंडमार्क्स हो सकते हैं। बट खोज आखिर कहां से करें? इसी बीच उन्हें ख्याल आया कि ये जितने भी मेजर लैंडमार्क्स हैं, इंक्लूडिंग द न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सारे मोस्टली पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास ही क्यों हैं? पृथ्वी को बैलेंस रखने के लिए हो ना हो सदर्न हेमिस्फीयर के आसपास भी एक मेजर लैंडमार्क होना चाहिए। इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उन मिसिंग हाइपोथेटिकल लैंडमार्क्स को नाम दिया टेरा ऑस्ट्रेलिस, जिसका लैटिन में सिंपल मतलब था द लैंड ऑफ द साउथ। बट एक सेकेंड, पृथ्वी पर मौजूद चार ओशियंस में से तीन बड़े ओशियंस यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आखिर मेजरली साउथ में ही पड़ते थे। तो सवाल था कि टेरा ऑस्ट्रेलिस की खोज आखिर शुरू कहां से करें? फाइनली डिसीजन बना कि जो लैंडमार्क्स उन्हें ऑलरेडी पता है यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उनके सदर्न टिप्स से शुरू किया जाए। सो इसी के साथ सबसे पहले 1606 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिशन लॉन्च किया और अपने दो मेजर टॉप नॉच एक्सप्लोरर्स और नेविगेटर्स विलेम जानसून और एबेल टैस्मैन को एशिया के सदर्न टिप इंडोनेशिया के साउथ की ओर भेजा। सबसे पहले 1606 में जानसून अपनी एक छोटी टीम के साथ एक प्रीलिमिनरी रिसर्च करने गए और उसके तहत उन्हें वहां पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिखा, और फिर उसके कुछ ही सालों बाद टैस्मैन को भेजा गया ताकि वो उस नए लैंडमार्क का चक्कर काटते हुए उसके कोस्टलाइन की मैपिंग कर सके, और जब ये मैपिंग कंप्लीट हुई तो इसी लैंडमार्क का नाम
ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। बट देन ये सिर्फ आधी कहानी थी। इसकी पूरी कहानी ये है कि इसी मैपिंग के दौरान उन्हें आज का 8th कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया भी मिल गया था। पर इससे पहले कि वो उसे मैप कर पाते, अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्हें हड़बड़ाहट में तुरंत वापस लौटना पड़ गया। एक्चुअली टैस्मैन जब इंडोनेशिया के जकार्ता से मॉरिशियस और फिर मॉरिशियस से टैस्मेनिया की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं से थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें वहां एक अननोन लैंडमास दिखा। ये लैंडमास था आज का न्यूजीलैंड, जो उन्हें टेरा ऑस्ट्रेलिस के अलावा एक और एक बड़े कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया तक पहुंचा सकता था। बिकॉज ये न्यूजीलैंड बेसिकली उसी कॉन्टिनेंट का एक पीक था, जस्ट लाइक द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। लेकिन फिर जैसे ही टैस्मैन और उनका क्रू वहां उस लैंडमास के पास पहुंचे, तो अचानक से वहां की लोकल माओरी ट्राइब गति तुमात ककोरी के लोगों ने उनके शिप पर हमला बोल दिया, और इस हमले में टैस्मैन के 4 क्रू मेंबर्स मारे गए। सो अपनी और अपने बचे हुए क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए टैस्मैन ने बिना वहां पर कदम रखे तुरंत लौटने का फैसला कर लिया। और फिर जब टैस्मैन वापस लौटे, उनकी यहां पर माओरी कम्युनिटी के साथ हुए वायलेंट एनकाउंटर की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई, और इसी वजह से अगले करीब 100 सालों तक किसी ने भी यहां आने की हिम्मत नहीं की, अंटिल 1769, जब यूरोप के एक दूसरे मेजर कॉलोनाइजर ब्रिटिश एम्पायर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न इलाके को हथियाने के चक्कर में पास ही स्थित न्यूजीलैंड को भी अपनी कॉलोनी बना ली। सो साल 1769 में एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट को कॉलोनाइज करने के लिए अपने रॉयल के एक एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर जेम्स कुक को वहां की मैपिंग करने के लिए भेजा। इसी दौरान जेम्स कुक ने लगे हाथों बगल में मौजूद न्यूजीलैंड को भी मैप कर लिया, एंड आफ्टर इयर्स ऑफ वायलेंट क्लैशेस विद द लोकल ट्राइब्स, फाइनली ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हिस्सा और न्यूजीलैंड ये दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज बन गए। नाउ व्हाट्स वियर्ड इज दैट अगले ऑलमोस्ट 100 सालों तक न्यूजीलैंड पर राज करने के बावजूद भी ब्रिटिश कभी भी नहीं जान पाए कि उनके कदमों के नीचे एक्चुअली एक पूरा कॉन्टिनेंट छुपा हुआ था। और फिर साल 1840 में जब न्यूजीलैंड ब्रिटिश लोगों से आजाद हुआ और उसकी न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट जेम्स हेक्टर को अपने देश का एक डिटेल्ड मैप बनाने के लिए बुलाया, तब जाकर उन्हें ये पता चला कि न्यूजीलैंड जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि वो अपने आप में ही एक अलग कॉन्टिनेंट बन सकता है। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ रॉक्स के कॉम्पोजिशन और बड़े साइज के बेसिस पर हम इस ज़ीलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट कैसे घोषित कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारे सह्याद्री माउंटेन्स भी कॉन्टिनेंटल ग्रेनाइट रॉक्स के बजाय ओशन बेड की तरह बेसॉल्ट रॉक्स के बने हुए हैं। तो फिर इस लॉजिक से हमें अपने सह्याद्री माउंटेन्स को भी ओशियानिक फ्लोर डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, किसी भी लैंडमास को कॉन्टिनेंट में क्लासिफाई करने के लिए कई फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट ये 4 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। पहला एज वी डिस्कस प्रीवियसली उसका कॉम्पोजिशन, दूसरा सी बेड के कंपैरिजन में उसका एलिवेशन या सिंपली उसकी ऊंचाई कितनी है, वो हमेशा सी बेड के एवरेज डेप्थ से ऊपर होना ही चाहिए, तीसरा उसका शियर साइज और एरिया, एंड लास्टली उसका खुद का एक अलग टेक्टोनिक प्लेट होना चाहिए। अब ज़ीलैंडिया के केस में फर्स्ट फैक्टर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि वो मौजूद है। एलिवेशन के मामले में वो साउथ पैसिफिक ओशन के एवरेज डेप्थ से करीब 1100 मीटर्स यानी कि ऑलमोस्ट हमारे सह्याद्री माउंटेन्स जितनी ऊंचाई पर है। देन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड एरिया वो अप्रोक्सीमेटली करीब 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो उसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जितना ही बड़ा बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी अपनी एक अलग टेक्टोनिक प्लेट भी है, कॉल्ड ज़ीलैंडिया प्लेट, ऑल्सो नोन एज तेरियु अमाउई प्लेट, जो उसके सराउंडिंग पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बिल्कुल अलग है। याद है मैंने कहा था कि ज़ीलैंडिया लैंडमास मैग्मा के फिसलने से नीचे धस रहा है, वेल वो लैंडमास असल में यही ज़ीलैंडिया टेक्टोनिक प्लेट है, यानी कि ऑल इन ऑल हर लिहाज से ज़ीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट ही है और न्यूजीलैंड बस उस कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पीक। नाउ आई नो इस साइंटिफिक डेफिनेशन के बावजूद कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, राइट? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि पानी में डूबा ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कॉमन धारणा है वो यही है कि कॉन्टिनेंट का मतलब पानी के ऊपर दिखने वाला बड़ा सा लैंडमास। बट फ्रेंड्स साइंस में एज यू ऑलरेडी नो कई बार डेफिनेशंस काफी ब्लर होते हैं, हम किसी भी चीज को एकदम प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक हम ह्यूमंस को ही ले लो, हमारे केस में हम अपने फिजिकल फीचर्स को तो डिस्क्राइब कर सकते हैं बट हम किसी ह्यूमन बीइंग को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी दो इंडिविजुअल्स के कुछ एस्पेक्ट्स लाइक उनका बिहेवियर, इमोशनल स्टेट, पर्सपेक्टिव्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। सो नो मैटर आप किसी इंसान पर कितने ही डेफिनेशंस क्यों ना लगा लो, आप फिर भी उसे कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर ज़ीलैंडिया को कॉन्टिनेंट कहते समय भी हो रहा है, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट्स को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके डिफाइन नहीं कर सकते। हमने जब एलिवेशन की बात की
तो उसमें प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कि ओशन बेड से कितनी ऊंचाई पर होने पर किसी लैंडमास को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या अगर ज़ीलैंडिया ओशन बेड से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर होता, तब भी उसे कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया जा सकता जस्ट बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स? वेल, आई पर्सनली थिंक कि ऐसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस को अवॉइड करने के लिए हमें एक ही टर्म के अंडर मल्टीपल डेफिनेशंस घुसाने के बजाय मे बी इस तरह के एनोमलीज के लिए एक अलग ही टर्म डिराइव करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लूटो के साथ किया गया। प्लूटो ओरिजिनली एक प्लैनेट था, पर फिर पता चला कि वो कंप्लीटली प्लैनेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो उसे एक एस्ट्रॉइड बना दिया गया। बट देन जब देखा गया कि वो एस्ट्रॉइड जैसा भी बिहेव नहीं करता, तो फाइनली उसके लिए एक नई कैटेगरी बना दी गई कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, ताकि ऐसे अगर और भी ऑब्जेक्ट्स मिले जो ना प्रॉपर तरीके से प्लैनेट्स और ना ही प्रॉपर एस्ट्रॉइड्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उन्हें इस कैटेगरी में डाल दिया जा सके। सो इसी तरीके से हमने ज़ीलैंडिया के लिए भी एक नए वर्ड को कॉइन कर दिया। और एग्जैक्टली ऐसे ही और भी जो नए कॉन्टिनेंट्स जो भी मैप किए जा रहे, लाइक मॉरिशिया, बेरिंजिया, डॉगरलैंड, इन्हें भी हम इस वर्ड के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं, इवन दो फिलहाल के लिए वो बस कुछ सबमर्ज्ड इनविजिबल कॉन्टिनेंट्स हैं। बट यू नो फ्रेंड्स, एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इन सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट्स के साथ नीचे समुंदर में भी हो रही है। इस ज़ीलैंडिया से करीब कुछ 6,900 किलोमीटर दूर एक इनविजिबल बैरियर है, और इसी इनविजिबल बैरियर की वजह से एक दूसरे से सिर्फ 35 किलोमीटर के रेंज में कंप्लीटली अलग दिखने वाले जानवरों की डाइवर्सिटी। वेल, ये आखिर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एवोल्यूशन के सारे लॉस को डिफाई कर देता है। वेल, इस मिस्ट्री के पीछे क्या सीक्रेट है, इसे ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिकोड किया है, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिलहाल के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।